हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड टेली फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। और आज है अनदर वीकेंड। वीकेंड एक्चुअली स्टार्ट हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी फ्राइडे है, शाम के 7 बजे हैं, थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इवनिंग सेलिब्रेट किया जाए वेलकमिंग करते हुए फ्राइडे को विथ सम पिज्जा। हम सोच रहे हैं थोड़ा पिज्जा ऑर्डर करेंगे विथ सम डेजर्ट और उसको आज एंजॉय किया जाए। तो मैं अभी देख रहा था ओला में कुछ ऑफर चल रहा है, तो वहां पर एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले उसको आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से ऑर्डर किया। हमारा पिज्जा और चीज केक आ चुका है, अभी इसको ओपन करते हैं। रश्मिता का वेट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, टेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फिर। और ये है, ये अवन स्टोरी से ऑर्डर हुआ था, और ये है उसका मेन्यू, आप देख सकते हैं विथ टोटल बिल। अभी आ चुकी है, अभी इसको ओपन करेगी और टेस्ट करेगी। चलो, उससे पहले आज करेंगे फ्राइडे पार्टी। यस, बहुत काम करेंगे। और ये ट्रीट है सुमित की तरफ से। और थोड़ा ऊपर करो, ये बंदा आज लंच के टाइम पे बोला था आज डिनर नहीं करेंगे, लंच बहुत हेवी हो गया है, आज डिनर नहीं करेंगे। और शाम को आके बोल रहे पिज्जा खाए क्या। तो चलो, उसने ओरिगेनो चिली फ्लेक्स दिया हुआ है, वैसे हम घर में भी रखते हैं, अगर इन केस नहीं दिया, अगर खराब हो गया तो ये बैकअप है। इन केस कौन नहीं देता है सुमित सर? नहीं नहीं, मतलब कभी कभी टेस्ट ही नहीं है, कभी कम हो जाता है। और जो मैंने बताया नहीं था, ये ओवन स्टोरी का पिज्जा है, और वहीं का ये है मैंगो चीज केक। कौन सा पिज्जा है? पेस्टो मार्गरिटा। अच्छा, तो दिख रहा है। स्मेल्स नाइस। चलो टेस्ट करके बताओ, विदाउट कुछ भी टॉपिंग टेस्ट करो, देखते हैं फिर। पूरा चीज चीज है। और हम दोनों यहाँ पे बेड पे ही बैठ गए हैं। टॉपिंग के ट्राई करूं? नाइस। अच्छा, थोड़ा ठंडा हो गया तो वो चीज पुल नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और वो लाके भी थोड़ा टाइम हो गया। पर टेस्ट मास्टर ट्राई करो। अभी मेरी पारी। टेस्ट अच्छा, लेकिन ठंडा हो गया। और ओरेगानो चिली फ्लेक्स डालोगे तो और अच्छा लगेगा। उसका जो बीच का जो क्या है, टमाटर सॉस जो है, वो बहुत अच्छा है। और सुमित का काम अभी तक चल रहा है, दुकान बंद नहीं किए हैं हम। एक हाथी है सुमित का, खुद चीटी जैसा है, बिठाए एक हाथी को। अब इसका अब टॉपिंग डालेंगे। हाँ, और प्लीज बेडशीट नहीं डाले हैं, इग्नोर कर दीजिएगा, फ्राइडे है तो सबको साफ करने के लिए डाल दिए हैं। और सुमित यहाँ पे ही सेटअप बना दिया है। और एक पीस लेता हूँ। मुझे थोड़ा टॉपिंग्स ज्यादा पसंद है। पूरा भर दिए हो, इसीलिए अभी समझ में आया इतना हमें क्यों कम पड़ता है, क्योंकि सुमित एक ही स्लाइस में सब डाल देता है। अब ये है टॉपिंग, अब इसको खाएंगे।
तो पिज्जा बहुत ही बढ़िया था, खत्म हो गया। अभी मैंगो चीज केक, उसके साथ एक स्पून भी दिया इन्होंने, वुडन स्पून। तो मुझे लगा दो स्पून। नहीं नहीं, वहां पर नंबर वन लिखा है ना। ओहो, मैं इस तरफ देखी तो मुझे दो नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक ही स्पून है। मैं सोचते थे दो क्यों दिए हैं ये लोग करके। एनीवे, ये क्या बोले थे, भूल गई मैं फिर से। मैंगो चीज केक। हाँ, और ये हम पहले नहीं खाए हैं कभी। हम हमेशा कुछ भी बेरी वाला चीज केक खा लेते हैं, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी ऐसे वाला। छोटू सा है सुमित। हाँ, चीज केक है। अरे एक्सपेक्टिंग यू बिगर। फोटो में बिगर ही दिखेगा। चलो ठीक है, छोटू वाला खा लेंगे। उसको प्लेट में निकाल लो। नहीं नहीं, वो पूरा ये हो रहा है। अच्छा। नीचे पूरा लग गया था, बहुत टाइम हो गया ना। अच्छा अच्छा, कटलरी निकल चुका है। मस्त दिख रहा है। मैंगो भी अच्छा लगता है, मतलब मैंगो अच्छा नहीं लगेगा। नाइस। मैंगो दूध के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है ना इसका। समो पता नहीं, खाओ खाओ खाओ, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मेरे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए ये। इट्स नाइस। एक से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए था सुमित। अच्छा है, खाओ। यम्मी यम्मी। नॉर्मल चीज केक से तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं, दिखने में भी अच्छा है। ऑनेस्टली मैं कभी लगा था मैंगो में अच्छा नहीं लगेगा, आज तो ऐसे हिट एंड ट्रायल के लिए लाए, इसीलिए एक ही लाए थे। बट नाइस। चलो तो आज इसी के साथ गुड नाइट, गुड नाइट करते हैं। आज इसके साथ वीकेंड बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो बहुत टाइम के बाद हम फ्राइडे में कहीं बाहर का कुछ खा रहे हैं, रात में चीज केक खा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। और अभी गुड नाइट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग, मेरा अपना चाय भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, रश्मिता भी रेडी है। हम जा रहे हैं आज और एक अच्छी जगह पे लंच करने के लिए। आज एक ओडिया खाना होने वाला है और होपफुली नॉनवेज ही होगा। देखते हैं आज खाना कैसा है और कितना प्राइस है, टेस्ट कैसा है, सब कुछ। तो मैं अपना चाय पी के यहाँ से निकलते हैं फिर। और सुमित सस्पेन में चाय ना बना के बर्तन में बनाया है, क्यों सुमित? हाँ, सस्पेन साफ नहीं हुआ है तो सुबह सुबह थोड़ा आलसी बन गया। कोई मुझे बोला था मैं चाय आजकल कम पीता हूँ, ये कम है सुमित? पानी ज्यादा हो गया, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी दूध ज्यादा हो जाता है, पर चाय का क्वांटिटी कभी घटता नहीं है। डेढ़ घंटा ड्राइव करके जाना, चाय तो चाहिए। चलो चलिए, हम हो गए रेडी। सुमित का चाय पानी खत्म हो गया, बैग्स डाल दिए हैं और पानी का बॉटल रेडी है। चलो चलते हैं। चलो तो ये है दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, उसके बाद मैंने गाड़ी में इसको लगाया नहीं था, अभी इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसा फिटिंग है इसका। तो ये हमारा एयर वेंट, यहाँ लगाएंगे तो ठीक रहेगा, इसको ज़रा यहाँ ठीक रहेगा ना। ऐसे सीधा लगाओगे तो इजी होगा ना, ऐसे लगाओगे तो कैसे? सीधा मतलब ऐसे? वो तो मैं फोन को भी घुमा सकता हूँ ना। हाँ वो भी सही है, अभी देख रहा अगर हॉरिजॉन्टल कैसा ठीक रहेगा, यहाँ ठीक रहेगा।
यहाँ ठीक रहेगा। तोड़ना मत, पता चला ऐसी वेंट ही टूट गया, इतना टाइट है। नहीं, पूरा टाइट है। बाप रे। ये लग गया। अभी फोन को चाहे ऐसे रखो और ये हिलेगा, वो तो हिलेगा। ये बेटर है। ओके। नहीं हिलेगा तो ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं आज। अगर ये नहीं गिरा तो मतलब सक्सेस है। एरिया में है ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और जाना है 8 किलोमीटर और आधा घंटा है। भयंकर ट्रैफिक है, देखो मतलब नेक्स्ट लेवल का ट्रैफिक है। ये एक रेलवे क्रॉसिंग है और हम जा रहे हैं, जैसे सुमित ने बताया था, हम जा रहे हैं एक ओडिया ढाबा, नाम है सुशांत ओडिया ढाबा और ये है व्हाइट फील्ड एरिया में। हमें काम है व्हाइट फील्ड एरिया में तो सोचे कि वहीं पे चलते हैं, थोड़ा सा ओडिया खाना खाएंगे और उसके बाद जो काम है वो करेंगे। तो और एक आधा घंटा धीरे धीरे हिलते हिलते जाना है। अभी परोठा को दाल तड़का देते हैं, अभी ये जो है वो साधा मतलब वेज का एक प्लेट है, इसके साथ हम चिकन नहीं मटन मंगाए हैं और सुमित का पराठा। जो सुमित पापड़ पे टूट पड़ा है, ये आ गया मटन, खाएगी अपना मटन और राइस दाल टेस्ट करके बताएगी। कैसा है? नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक ठाक है। और ये सब्जी एवरेज है, सब टेस्ट एवरेज है सर। दाल मेरा पराठा, दाल फ्राई, सलाद, चलो।
बातचीत आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उसका पराठा और क्या दाल तड़का मस्त है, और उसका पापड़ सलाद हो गया तो हैप्पी हैप्पी। ठंडा है हो गया हमारा खाना पीना, नेक्स्ट चलेंगे। मेरा पराठा और दाल तड़का मस्त था, मेरा सब कुछ थोड़ा एवरेज सा लगा, मतलब खाने पीने का जो है। रश्मिता का चॉइस ऑफ आइटम आज रॉन्ग था, यहाँ पर मटन उतना अच्छा नहीं है लेकिन मछली बहुत अच्छी होती है। और यह डिश में मटन और फिश क्रैब ये अंदर जाके बात करते हैं, साउंड ज्यादा। हाँ तो जैसे हम बोल रहे थे कि मेरा सिलेक्शन ऑफ फूड आज गलत था, आइटम आज गलत है। यहाँ पर जनरली मटन अच्छा ही होता है, इनका भी अच्छा ही था, और थोड़ा सा स्पाइसी और मसालेदार बनता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि थोड़ा ब्लैंड लगा। खराब नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था ओडिया फूड के हिसाब से। हम जो घर में बनाते हैं इससे चार गुना बेटर रहता है। बट मेरा पराठा और जो दाल तड़का था बहुत ही अच्छा था, और मेरे बाजू वाले सामने जो बैठे थे ना वो लोग फिश क्रैब और प्रॉन ऑर्डर किए थे, सब बोलते वाह मस्त है, वाह मस्त है। तो मुझे भी लगा अरे मुझे वहीं से कुछ और फिश रेंज में, मतलब फिश के वैरायटी से कुछ लाना चाहिए था अदर देन मटन, फिर हो गया ठीक है। खराब नहीं था, एवरेज था मटन, बाकी सब अच्छा था, और खीर बहुत टेस्टी था, खीर और मिठाई बहुत अच्छा था। चलो एनीवे, और बिल हो गया 750, और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ जा रहे हैं सुमित? हाँ, व्हाइट फील्ड का फेबर राइट, हाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ से लेना है एक सिंक, तो चलिए चलते हैं लेके आते हैं। ऐसे ट्रैफिक में कहीं निकलने के लिए मन करेगा क्या वीकेंड में? देखिए पता नहीं, सुमित पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत टाइम ड्राइव भी कर चुका है, और यहाँ पे हम लग रहे हैं कि 5 मिनट में ऐसे ही है, कुछ नहीं करे, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब इंजन बंद करके बैठे। और फाइनली तो अभी हम पहुंच गए फेबर में, और एक्चुअली हम लोग पेमेंट वगैरह कर चुके हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लेना था, तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है और पार्किंग के लिए एनफ स्पेस नहीं है, तो हम बोले हैं कि नीचे लेके आ जाओ और हम उसको लेके भागेंगे। तो मैं गाड़ी चला चला के पक गया तो बाहर जाके ऐसे खड़ा है, वो बोले कि 2 मिनट में आ रहे हैं, बस गाड़ी में लोड करना था, निकलेंगे नए वाले घर में, वहाँ पे इसको अनलोड करना है, आज सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग ही चलेगा। ओके अभी लेके आ गए हैं, सुमित का पेशेंस थोड़ा कम था तो वो भी चला गया था पीछे पीछे, फाइनली आ गया ये। I was on open this ma'am, opened already. Oh, you already opened? Okay, fine. All good, right? Yeah. Okay. क्या घर में रखने का काम और बात बात करने का काम इधर से दिखेगा नहीं वरना, बहुत अभी जा रहे वापस घर, नहीं सोफा देखने के लिए जाएंगे, सुमित बोला था सोफा देखने के लिए जाएंगे, अभी बोल रहे हैं वापस घर, भूल गया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सोफा देखने के लिए जाएंगे, टाइम क्या हो रहा है अभी? 4:30 बज गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हफ्ता
दो बजे से छह बजे तक बारिश ही हो रही थी। आज हम बाहर निकले ही कितना धूप हो रही है अभी देखो, मतलब भगवान ने बोल रहे कि बाहर जा रहे हो तो कड़कते भड़कते धूप में ही जाओ, बारिश नहीं होगा। पूरा हफ्ता बारिश हो रहा था, आज नहीं हो रहा है और ट्रैफिक तो नेक्स्ट लेवल का है। वीकेंड में कहीं बाहर जाने के लिए मन तो होता है, फिर से मूड ऑफ हो जाता है ट्रैफिक के लिए। सुमित का देखो मुंह कैसे लटक चुका है आज ड्राइव कर करके। काम दो पैसे का हुआ नहीं है लेकिन एफर्ट 10 पैसे का लग चुका है। सुमित आज बोला था इतना ही ड्राइव करना है तो मैं एक नियर बाय कैंप साइड में जाके आराम से क्यों ना बैठूं, सिटी हाँ, में ड्राइव करूंगा। ऑफ कोर्स 2 घंटे का ड्राइव करके गया कहां था इतना दूर खाने के लिए। नहीं खाने के साथ कुछ काम भी था ना सुमित, वो तो लेना काम था। 10 मिनट का काम था वो। क्या करे, बंदा पूरा गुस्से में लाल हो चुका है। गुस्से में लाल हो या धूप में लाल हो सुमित? दोनों। ठीक है, हम आके पहुंच गए घर और टाइम ऑलमोस्ट 7:30 या 8 के आसपास होगा। कुछ कुछ चाहिए था वो चीजें खरीद के लेके आए और पूरा थक गए। सुमित का हेडेक भी स्टार्ट हो गया और तो थोड़ा फूल लेके आए थे। मैं सोच रही थोड़ा यहाँ पे पानी और फूल रखेंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा स्मेल करेगा तो अच्छा लगेगा। और सुमित को ये वाले फूल बहुत पसंद है, ये वाले, इसको क्या बोलते हैं हमें मुझे नहीं पता। ये फूल सुमित को बहुत पसंद है तो ये थोड़ा रखेंगे, थोड़ा रूम फ्रेश फ्रेश सा स्मेल करेगा, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 2 और आज हम बनाएंगे फिश मस्टर्ड ग्रेवी वाला उड़े सर का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और अभी देखिए रश्मि क्या कर रही है, प्रेप चल रहे हैं। और ये है वो मस्टर्ड का अभी पाउडर हुआ है, पेस्ट बनेगा। और ये कुछ सब्जियां हैं सुबह, और जब भी आप कुछ ग्राइंडर निकालते हो तो जनरली क्या होता है ना, पावर चला जाता है तो इसलिए फटाफट फटाफट पहले ये काम जो ग्राइंडिंग का काम है वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा लग बहुत खराब चलता है। जब भी ग्राइंडिंग का कुछ चाहिए होता है तभी पावर चला जाएगा। चलिए इसको फटाफट पीस लेते हैं, फिर मछली ये रहा आज सबका बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आज और एक आइटम भी बनने वाला है, पालक और ये आलू के साथ एक तरी वाली सब्जी बनेगी, उसमें बैंगन भी डला जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना चाय बिठा चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरूम, ये भी रेडी हो चुका है। और ये तवा फ्राई बनेगा और मछली तो मैं सुबह बनाया था, और ये उसका पेस्ट है मस्टर्ड जीरा गार्लिक के साथ पिसा हुआ एक पेस्ट है। तो चलिए चाय बनाते हैं, फिर जब ये बन जाएगा फिर लास्ट में फिश मस्टर्ड करी बनेगा, करेक्ट? तो आ गई अभी मछली की बारी। अभी जो ये जो मछली हमने कल लाया था ये फ्रिज से निकाल के, अभी इसमें सिर्फ नमक और हल्दी गया, राइट? ओके, अभी इसको इस तेल में फ्राई किया जाएगा। और अभी गया ये पहला पीस, इसमें गया नहीं है, जाएगा, जाने वाला है, जाने वाला है। हाँ हाँ एकदम गरम,
वाह वाह। मछली जब इस स्टेज पे आ जाए तब इसको निकाल देंगे। तीनों एक साथ, वाह, मिशन फेल सक्सेसफुली। मतलब मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चिल्लाओगे ऐसे, मुझे लगा कुछ हो गया। और अभी दूसरा सेट जाएगा। यहाँ पे तवे पे जो कच्चा केला हमने बॉईल किया था उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा राइस फ्लावर को कोट करके तेल में फ्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है नहीं, साइड डिश के लिए चावल के साथ। मछली फ्राई होने के बाद देखिए ये फ्राई होकर निकल चुका है। उसी तेल में थोड़ा सा बड़े बड़े साइज के आलू को भी फ्राई कर देंगे। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा सौंफ, कटी हुई टमाटर और चार ग्रीन चिली में डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता। टमाटर थोड़ा भूनने के बाद ये जो फ्राई किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे। ये तो अभी से इतना टेम्प्टिंग लग रहा है कि इसको चावल और दाल के साथ अभी मछली को खा ले। फ्राई मछली रखूं क्या? नहीं 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 नहीं, आलू थोड़ा भूनने के बाद अभी ये जो पेस्ट है मस्टर्ड, जीरा, लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सारा पानी भी है। हाँ पानी भी है और धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ क्योंकि नीचे ना थोड़ा वो ये वाला रेसिड्यू है, उसको नहीं डालना है तो कड़वा लगेगा। तो अभी देखिए इसमें बॉयल आ चुका है तो अभी इसमें जाएगा ड्राई मैंगो। और कितना जाएगा अपने हिसाब से? खट्टा जितना चाहिए, चाहिए। हाँ। हम डाल रहे हैं तीन जाएगा शायद इसमें। टमाटर भी है और उसके बाद जाएगा फिश। फिश 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 सबमर्ज इमर्ज सब कर लेना। हाँ तो अभी ये आराम से बैठेगा और एक 20 मिनट बैठेगा राइट? आराम से। हाँ और आपको जितना थिकनेस और ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल, पानी ऐड, गरम पानी प्रेफरेबल। हाँ नहीं तो चलेगा कुछ भी। और इसको गरम गरम राइस के साथ खाइए, मस्त लगेगा। यम यम। और राइस और ये पालक की सब्जी, ये मशरूम की सब्जी और ये कच्चे केले की तवा फ्राई रेडी है। और यहाँ पर तड़का लगने वाला दाल में। तो आज का दिन ज्यादा कुछ मतलब कुछ फ्रूटफुल रहा नहीं क्योंकि भाई आया था तो हम बाहर कुछ जा नहीं पाए तो खाना बनाए थे और उसके साथ बातचीत ही कर रहे थे, शाम हो गई। एक्चुअली जो आप क्लिप में देखे ना वो सुमित का भाई है तो हम मतलब वो आए थे तो हम लोग बात बात करके फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे
और सबको मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हाँ, सबको इसलिए ज्यादा फ्रेम में नहीं आ सका। हाँ तो हम लोग बात बात किए, ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लिए, वीकेंड उनका भी वीकेंड हमारा भी वीकेंड, तो ऐसे वीकेंड चला गया उतना ही था। तो ये थोड़ा टूटा फूटा जो भी हम वीकेंड में किए वही है। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे वीकेंड थोड़ा बिजी चल रहा है, नए घर के लिए सेटअप भी हो रहा है, इसलिए वहां भी बिजी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना होगा थोड़ा बहुत कैप्चर करेंगे, डिसकंटिन्यूटी से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कैप्चर करके आपको दिखाएं। यही था हमारा वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड शायद से कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीकेंड। बाय बाय।